तो गाइस अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन में प्राइम नंबर का प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस, उसका जो मतलब डेटा स्ट्रक्चर पार्ट है थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे हम लोग। क्या होता है कि अभी सबसे पहले हम लोग एक इनपुट ले लेंगे, इनपुट मैंने यूज़र इनपुट ले लेंगे। यूज़र इनपुट इसमें इनपुट मैंने इंट के साथ लेते हैं क्योंकि ये नंबर लेना होता है, तो अरे जैसे स्ट्रिंग लेना है तो इनपुट सिर्फ। और फ्लैग एक बुलियन वेरिएबल है जो स्टोर करता है फॉल्स, ठीक है ओके। देखो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और वो किस तरह का वेरिएबल है, वो है बुलियन वेरिएबल, ठीक, क्योंकि फॉल्स और ट्रू ही रिटर्न करता है, मतलब रखता है मतलब डेटा टाइप रखता है। और अब आते हैं नंबर, अगर मान लो नंबर 25 है तो 25 यहाँ पर ट्रू होगा, एक से ज़्यादा होगा 25 नंबर, ये नंबर मतलब 25 लिए हैं तो एक से ज़्यादा है तो ट्रू हो गया, तभी जाके वो नीचे वाले पार्ट में आएगा जो वहाँ पर हम लोग फॉर लूप का पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक। अभी 2 से लेकर 25 तक वो रेंज हमने फिक्स करा है, ठीक है, अगर हम लोग 25 लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि उसका कंडीशन लगा देते हैं कि क्या है कंडीशन इसमें। अभी मैं आपको बता दूं कि ये 2 से लेकर 25 तक इटरेट करेगा, क्या वो आई जो है ना 2 से लेकर 25 तक आई के अंदर आ गया, उस आई वेरिएबल मीन्स आई के अंदर। और इसके अंदर में हम लोग फ्लैग इक्वल टू ट्रू करें, ट्रू हो गया तो ये प्रिंट कर देगा और नंबर इज़ नॉट प्राइम नंबर, और ट्रू नहीं हुआ तो नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक, दोनों सिंपल सा है। अभी देखो नंबर परसेंटेज आई, तो अभी क्या है कि पहले वो 2 से चेक करेगा, डिवाइड करेगा नंबर को, 25 को हम लोग बाद 2 से करेंगे तो नहीं होता है, वो 3 से नहीं होता, फिर 4 5 से करेंगे डिवाइड तो वो डिवाइड हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फ्लैग इक्वल टू ट्रू। अब जैसे ही ट्रू हुआ इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, राइट, इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो अब देखेंगे हम लोग प्रोग्राम के अंदर में, अगर फॉल्स हुआ तो इज़ अ प्राइम नंबर, वो डिवाइड नहीं हुआ, 0 नहीं हो रहा है इक्वल टू, तो श्योर है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन है क्या, एक नंबर है जो खुद एक और इटसेल्फ से जो डिवाइड हो जाए वही होता है प्राइम नंबर, और बाकी और किसी से भी डिवाइड ना हो, राइट। तो यहाँ हम देख सकते हैं सिंपल सा आउटपुट आ गया। तो थैंक यू गाइस आज के लिए।